हम लोग यही हर साल वेट करते हैं कि गणपति जी आएँ हमारे घर और हमें ब्लेस करें और सारी दुनिया को ब्लेस करें, सारे देश का उद्धार करें, सब चीज़ें करें। बस यही विश करते हैं हम हर साल की। सबसे पहले सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं इस फेस्टिवल का बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ, स्पेशली जब से मुंबई शिफ्ट हुए महाराष्ट्र में। बहुत महत्वता है इस पावन पर्व की, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मनाना काफ़ी पसंद करती हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं, स्टैच्यू कस्टमाइज्ड स्टैच्यू है और काफ़ी बेहद खूबसूरत लग रही है। तो पूजा करना और फैमिली के साथ एक अलग ही माहौल रहता है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा, बापा तो हमेशा खूबसूरत होते हैं, लेकिन डेकोरेशन उन्हें और खूबसूरत बनाती है। ये काफ़ी चुनिंदा डेकोरेशन में से एक हम बोल सकते हैं, किसका प्लान था, क्या है? ये मेरी वाइफ हैं, एकता कपूर, सारा उन्हीं का प्लान है और वही डेकोर करती हैं, वही सब करवाते हैं, और मूर्ति भी वही सब चीज़। वो 1.5 महीने से इस मूर्ति पे लगे हुए हैं और गणपति जी का आशीर्वाद है जो इतने सुंदर बन के आते हैं हमारे यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छी लगी स्टैच्यू, बहुत ही एक डिफरेंट स्टाइल है, और पिछले साल अलग स्टाइल था, इस साल दूसरा स्टाइल है, तो हमेशा अच्छा लगता है। गणपति जी तो एनी फॉर्म में ही अच्छे लगते हैं। पापा के घर आया, कुछ विश ना मांगी, ऐसे हो नहीं सकता, विश मांगे? जी मैंने एक्चुअल में कोई विश नहीं मांगी, बस मैं ये चाहती हूँ कि गणपति बापा जो हैं ढेर सारा आशीर्वाद दें, प्यार दें और अपनी नज़रें बनाए रखें, दैट्स इट। इतना ऑलरेडी इतना कुछ दिया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट, बट या दैट्स इट। या यस, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ पागलपंती के लिए। सबसे पहले बिकॉज आई जो मेरी कुछ चुनिंदा बेस्ट फिल्में हैं, वेलकम और सिंग इज किंग, वो अनीस जी ने बनाई हैं, एंड आई एम रियली वेरी थ्रिल्ड कि मैं अनीस बज़मी जैसे इतने महान डायरेक्टर के संग काम कर रही हूँ। स्पेशली को एक्टर्स जो हैं मेरे, जॉन अब्राहम, अनिल कपूर, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सपोर्ट सिस्टम था उनकी तरफ से, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग थे, बी इट विद माई क्राफ्ट और एक्टिंग, या फिर क्योंकि मूवी में मैं बहुत सारे एक्शन सीन्स कर रही हूँ और डांसिंग बहुत ज़्यादा अलग, डिफरेंट स्टाइल की डांसिंग आप देखना को मिलेगा आपको इस फिल्म में। ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, बट दोनों काफ़ी बड़े फिटनेस इंस्पिरेशंस भी हैं, तो मुझे भी फिटनेस से बहुत प्यार है। जॉन अब्राहम एंड अनिल कपूर जो है, उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार है। जॉन की बैक टू बैक फिल्में हिट हो रही हैं, बोल सकते हैं बाटला हाउस का जरिए। हाँ, आप दोनों बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली बाटला अभी नहीं देखी है तो, बट आई एम श्योर दैट इट्स अ ग्रेट फिल्म। पागलपंती भी आने वाली है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर इट। मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरा जॉन के साथ परमाणु के संग काफ़ी अच्छा रहा, रॉ अच्छा रहा। फिर हमारी अटैक पिक्चर आ रही है जो दिसंबर में शूट होने जा रही है, या थैंक यू सो मच। फिर बाइक की पिक्चर आ रही जो रेंजिल शूट कर रहे हैं, वो अप्रैल में शुरू होगी, तो काफ़ी अच्छी है चीज़ें। ऑफ स्क्रीन किस तरह से माहौल था? ऑफ स्क्रीन बहुत ही मज़ेदार माहौल था, बिकॉज आप जब कॉमेडी फिल्म, ये एक यूनिवर्सल फिल्म है, बच्चों से लेकर के बूढ़े लोगों तक हर कोई जाकर इसे देख सकता है। बहुत ही एक मास अपील है इस फिल्म की। मैं इस फिल्म में कॉमेडी कर रही हूँ, मैंने इससे पहले भी कॉमेडी की है, बट ये एक यूनिवर्सल कॉमेडी है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इट्स अ वेरी स्पेशल, फन लविंग एंड फैमिली एंटरटेनर, अनीस बज़मी काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ फिल्म। थैंक यू।